एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड और हेयर वी हैव अवर जीटी। इसको अभी हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट स्टार्ट दिया है इसको मॉर्निंग का और जीटी अपनी वार्म अप हो रही है। ऑलमोस्ट जो आरपीएम है वो उसके 1500 आरपीएम पे है। थोड़ा सा और ड्रॉप होंगे आरपीएम, दैट मीन्स आपका इंजन बिल्कुल गर्म हो चुका है। सर्दियों का टाइम है यार, इंजन जो है हीट करना बहुत ज़रूरी है। इंजन आप देख सकते हो पूरा मेटल का इंजन है, ठंडा रहता है तो बाइक उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है। सो ऑल सेट टू गो, निकलते हैं फिर। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने मॉर्निंग में जीटी को लेके और कुछ पब्लिक रिएक्शंस भी नोट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस आते हैं जब भी मैं इसको सिटी में लेके जाता हूँ। सो हमेशा गोप्रो नहीं होता है, बट सम टाइम जो है बहुत ही बढ़िया क्वेरीज आती हैं जीटी को लेके। काफ़ी सरप्राइजिंगली सब लोग पूछते हैं रॉयल इनफील्ड की बाइक है कितने सीसी की है, तो मैक्स टू मैक्स जो गैस कर पाते हैं लोग दैट इज 350-400 सीसी मैक्सिमम, लेकिन जब वो सुनते हैं इट्स अ 650 कैटेगरी बाइक, सो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश होते हैं। अब इसमें कोई शो ऑफ वाली बात नहीं है, बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, यार मैं क्यों शो ऑफ करूँगा, जब ये 650 सीसी की बाइक है तो 650 की ही बताऊँगा ना। तो अभी हम आ चुके हैं भाई हाईवे पर, नॉट हाईवे बट स्ट्रीट रोड कहेंगे, सिटी रोड कहेंगे। तो अभी हम कुछ काम से जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचना है, तो सोचा एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं साथ साथ में। जीटी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है इस बाइक को अभी डेली बेसिस पे जो है सिटी में रन कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार। ऑल दो बाइक में बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन यार बाइक को चलाने में मज़ा आता है, बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है। और ये ट्रक वाला बिना हाथ दिए देख रहे हो, बिना इंडिकेटर दिए कहाँ घुसा रहा है, खतरनाक है भाई, लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है रोड पे। कुछ भी कर लो आप, कितने भी सेंसिबली चला लो, लेकिन ना जी। खैर एनीवेज जाने देते हैं, मॉर्निंग टाइम है, क्या मूड ख़राब करना, मॉर्निंग की वाइब्स हैं, अच्छी अच्छी वाइब्स हैं। अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 10 AM और हमें कुछ अच्छी सी रोड दिखाई दे रही है, तो हम मूड नहीं ख़राब करेंगे, अपनी जीटी के साथ इंजॉय करेंगे। और जीटी को तो यार सिटी में जो है मेरे ख्याल से हम 60 से ऊपर तो जाते भी नहीं है, ये भी अभी पहुंच रही है क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है। ऑल दो मैं तो बिल्कुल इंजॉय करता हूँ इसको 40 और 50 की स्पीड से, मज़ा आता है। इसके टॉर्क को देख रहा हूँ मैं, इसकी टॉर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि जब हम इस पर हाईवे करेंगे ना तो हमें पता होना चाहिए बाइक हमारी कैसी परफॉर्म देती है, क्योंकि जब हम इस पर हाईवे पर टूरिंग करेंगे तो यार हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाइक किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है, कौन सी गियर में कितने आरपीएम पर हमारी बाइक उठ जाती है, ये चीज़ एक राइडर को पता होनी चाहिए जब भी वो बाइक राइड करता है अपनी। सो मेरे राइट साइड में आप जो एरिया देख रहे हो ये हमारे काशीपुर का शुगर मिल का एरिया था, जो शुगर मिल अब क्लोज हो चुकी है, देख सकते हो आप स्क्रैप बन चुकी है शुगर मिल, बट इसके साइड में जो ये वाला रूट है बिल्कुल ट्रैक वाली फीलिंग दे जाता है, जो कर्व्स दे रखे हैं ना यहाँ पर दैट इज ऑसम। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स हम लोग ड्रिवन करने वाले हैं, बहुत जल्दी एक सर्विस का वीडियो आएगा जो फर्स्ट सर्विस होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या एक्सपेंसेस होते हैं फर्स्ट सर्विस के वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत जल्दी ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जीटी के एक माइलेज का व्लॉग शूट करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई कितना माइलेज देती है, 650 की बाइक आपने ले रखी है, इतनी हैवी बाइक आपके पास है तो इसका माइलेज एंड परफॉर्मेंस कैसी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन भाई जनरल लोग। सो ऑलराइट गाइस, अपना आरटीओ का काम हो गया, अभी मैं आया था आरटीओ, सारा पेपर वर्क अपना कंप्लीट हो गया, अब आएगा हमारा नंबर जीटी का। सो भाई पेपर अप्लाई हो गए हैं, विद इन 2 or 3 days नंबर आ जाएगा हमारा डीलर के पास में, और फिर उसके बाद आरसी आ जाएगी और अपनी जीटी रेडी हो जाएगी लॉन्ग टूर करने के लिए। तो अभी तक हम वेट कर रहे थे कब अपनी बाइक का नंबर आएगा, क्योंकि पेपर पूरे होंगे तो यार टूर वूर करने में भी मज़ा आएगा। तो भाई अपने नंबर का काम फाइनल अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है, अपने एंड से जितना पेपर वर्क होना था वो मैंने करा दिया है, बस अब नंबर सबसे पहले नंबर प्लेट बनेगी जो हमें शोरूम से लेनी है मुरादाबाद से, और उसके बाद नंबर प्लेट लगने के बाद अपनी आरसी आ जाएगी 2-3 दिन के बाद, तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन का प्रोसेस और पूरा रह गया है, उसके बाद फुल रेडी हो जाएगी अपनी बाइक चलने के लिए। तो काफ़ी चक्कर लगाने पड़े यार मुझे आरटीओ के, इतना बड़ा काम नहीं था लेकिन चक्कर ज़्यादा लगाने पड़े, बट कोई नहीं हो गया, अपने आप किया, मज़ा आया, एक्सपीरियंस मिला कैसे करते हैं, तो आप ज़रा फन करते हैं। यार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कैसा लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है यार, बहुत ज़बरदस्त फील आती है, फुल कैफे रेसर वाला फील देता है और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ लगाई है रॉयल इनफील्ड ने ये। इस बाइक में कोई भी डिजिटल मीटर का कोई यूज़ नहीं है, और ये जो निडल्स उठती हैं वाओ जस्ट वाओ, बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल से तो बच्चे लहराते हुए जा रहे हैं सड़कों पर।
पूरी रोड घेर के जा रहे हैं साइकिल से, कोई बात नहीं, हम लोग भी कभी ऐसे ही जाते थे। इधर से हम लोग जाने वाले हैं लेफ्ट और राइट चला जाएगा मार्केट में, और लेफ्ट जाएगा ये अपने घर की साइड जाएगा। खींचते हैं जीटी को। वाह जी वाह, ट्रैक तो मिले कम से कम खींचने के लिए। और ये आ चुका है यहाँ पर चैती ग्राउंड। भैया यहाँ लगता है मेला माता जी का, हमारे यहाँ काशीपुर का बिल्कुल फेमस फेयर लगती है। ये है माता जी का टेम्पल, बाल सुंदरी माता जी का, और इसके पीछे है मोटेश्वर महादेव। और यहाँ लगता है बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। देख रहे हो ओवरटेकिंग की कहानी। अरे भैया बस देखेंगे नहीं, आगे निकलना है। ऑटो वाले ही नहीं छोड़ रहे, ई रिक्शा वाले ही नहीं छोड़ रहे। नो हेलमेट भाई, क्या करेगा, एकदम मोड़ देगा। बिना देखे अभी टर्न मारने वाला था ये लड़का, हेलमेट भी नहीं था, बिल्कुल मुंह के सामने टर्न मारता। कॉन्टिन्यूसली हॉर्न भी दे रहा हूँ, स्टिल रूल्स कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसी स्मूथ रोड पे तो मन करता है यार थोड़ा सा खींचो।